हाँ जी दोस्तों, तो Realme की तरफ से Realme GT Neo 5 ऐसी फ़ोन आप लोगों को बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा इंडियन मार्केट में। एंड ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बजट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च हो रहा है। एक 5G फ़ोन रहने वाला है और उसी के साथ साथ काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ही आप लोगों को देने वाला है। तो क्या कुछ चीज़ें आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने के लिए मिलेगी, इंडिया के अंदर कब तक किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हो रहा है, सारी बातें करेंगे। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं इस वाले फ़ोन के बारे में। सबसे पहले अगर हम लोग इस वाले फ़ोन की डिज़ाइन की बात करें तो 193 ग्राम आप लोगों को इस फोन का वेट देखने के लिए मिलेगा। दो कलर ऑप्शन में ये फोन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, फाइनल फैंटेसी एंड पोलार ब्लैक। अगर बात कर ले इस वाले फोन के डिस्प्ले की तो आप लोगों को इस फोन के अंदर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। 6.74 इंचेस का आप लोगों को एक बड़ा डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। सिंगल हैंड अगर आप लोग यूज करना चाहते हैं तब आप लोगों को हल्की फुल्की प्रॉब्लम आ सकती है, दोनों हाथों से आप लोगों को इस फोन को यूज करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर बात कर लूँ तो आप लोग कॉन्टेंट वॉचिंग का जो एक्सपीरियंस है वो जो है काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाला है इस वाले फोन के साथ। ब्राइटनेस की बात करूँ तो 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने के लिए मिलेगी। मतलब डे टाइम में अगर आप लोग इस फोन को यूज करेंगे तब आप लोग डिस्प्ले पूरी तरीके से इस फोन का जो विजिबल होने वाला है। 144Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट यहाँ पर आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। अब फटाफट बात कर ले इस वाले फोन के कैमरा सेटअप की तो पीछे की साइड में यहाँ पर आप लोगों को इस फोन के अंदर 3 कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेंगे। जो प्राइमरी सेंसर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा वो आप लोगों को 64 MP का देखने के लिए मिलेगा विद 1.79 अपर्चर। इसका फायदा यह होगा कि लो लाइट में भी जब आप लोग फोटोग्राफी करेंगे तब काफी अच्छी फोटो आप लोग जो क्लिक कर पाएंगे। उसी के साथ साथ 8 MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और 2 MP का एक मैक्रो कैमरा आप लोगों को इस फोन के बैक कैमरे के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात कर ले वीडियो रिकॉर्डिंग की बैक कैमरे से तो आप लोग 4K 30 FPS एंड फुल HD 60 FPS में जो शूट कर पाएंगे। मतलब यहाँ पर कैमरा आप लोगों को बैक कैमरा काफी ज्यादा तगड़ा देखने के लिए मिल रहा है। कंटेंट वगैरह अगर आप लोग क्रिएट करना चाहते हैं तब आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। 4K रिजोल्यूशन का सपोर्ट यहाँ पर आप लोगों को इस फोन के अंदर दिया गया है। वहीं अगर बात कर ले फ्रंट में तो फ्रंट में सिंगल 16 MP का आप लोगों को कैमरा देखने के लिए मिलेगा जिसकी मदद से आप लोग फुल HD 30 FPS में जो शूट कर पाएंगे। अब फटाफट बात कर ले इस वाले फोन के परफॉर्मेंस की तो आप लोगों को इस फोन के अंदर Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा। फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करो तो 4 nm का फैब्रिकेशन इस प्रोसेसर के अंदर हुआ है। काफी अच्छा फैब्रिकेशन हुआ है, मतलब ये फोन जो है आप लोगों की हैवी टास्क आराम से परफॉर्म करवा देगा एंड उसी के साथ साथ आप लोगों की नॉर्मल डे टू डे लाइफ की जो टास्क है उसको भी ये जो मैनेज कर लेगा। आप लोगों को हैंग होने की शिकायत या फिर लैग होने की शिकायत बिल्कुल भी इस फोन के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब फटाफट बात कर ले इस वाले फोन की स्टोरेज की तो आप लोगों को इस फोन के अंदर 8 GB की रैम एंड 256 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिलेगी। UFS 3.1 की स्टोरेज है, काफी ज्यादा फास्ट स्टोरेज है। आप लोगों का डेटा काफी ज्यादा जल्दी ट्रांसफर होगा और उसी के साथ साथ जो एप्स का क्लोजिंग एंड ओपनिंग टाइम होगा वो भी काफी ज्यादा फास्ट यहाँ पर में रहने वाला है। उसी के साथ साथ अगर बात कर ले तो OTG को ये फोन सपोर्ट करता है। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, एक जो 5G फोन होने वाला है ये मतलब फ्यूचर प्रूफ है। फ्यूचर में भी जल्दी यहाँ पर आप लोग को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट बात कर ले मल्टीमीडिया की तो लाउड स्पीकर का सपोर्ट आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। डॉल्बी एटमॉस्फेयर का आप लोग को सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा स्पीकर के अंदर। सेंसर की बात कर ले सारे सेंसर देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी का सेंसर होगा, जायरोस्कोप का सेंसर होगा, कंपास का सेंसर हो गया। सेंसर की बात हुई है तो यहाँ पर बात कर ले फिंगरप्रिंट सेंसर की तो आप लोगों को इस फोन के अंदर ऑप्टिकल ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने के लिए मिलेगा। मतलब स्क्रीन के ऊपर जो फिंगरप्रिंट का सेंसर आता है वो वाला फिंगरप्रिंट का सेंसर आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। अब बैटरी की बात करें तो आप लोगों को इस फोन के अंदर 5500mAh की नॉन ड्यूरेबल लिथियम एम्पार्ट बैटरी देखने के लिए मिलेगी। काफी ज्यादा बड़ी बैटरी आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है एंड 100W की फास्ट चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, जो कि आप लोगों का फोन जो है 40 मिनट्स के अंदर जो फुल चार्ज कर देगा। एंड 5500mAh की बैटरी है, काफी ज्यादा बड़ी बैटरी है। सिंगल चार्ज पे ये बैटरी आप लोगों को 2 दिन आराम से लास्ट कर देगी। तो ये तो हो गया इस फोन का ओवरव्यू। फटाफट बात कर ले कि ये फोन आप लोगों को इंडिया के अंदर कब तक किस प्राइस पॉइंट पर देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो फोन है ये आप लोगों को इंडिया के अंदर 26 से लेकर 28 जुलाई के बीच में देखने के लिए मिलेगा। एंड इस फोन की जो प्राइस रहने वाली है वो रहने वाले 23,000 रुपीज से लेकर 25,000 रुपीज के बीच। एंड यहाँ पर मैं अगर इस प्राइस पॉइंट पे ये फोन इंडिया के अंदर लॉन्च होता है तो काफी अच्छा मार्केट ये कैप्चर कर पाएगा, क्योंकि काफी बढ़िया प्रोसेसर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है, कैमरा आप लोगों को अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, 4K रिजोल्यूशन का सपोर्ट आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, बैटरी आप लोगों को बड़ी देखने के लिए मिल रही है एंड भाई अच्छी चार्जिंग आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। तो जो भी एक नॉर्मल कंज्यूमर की जो डिमांड होती है एक फोन के साथ वो सारी डिमांड्स को ये फोन जो है फुलफिल करेगा एंड इस प्राइस पॉइंट पे एक बहुत अच्छा फोन आप लोगों के लिए रहने वाला है। ये सारी कहानी थी Realme GT Neo 5 SE की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों इस फोन से रिलेटेड कोई भी अगर सवाल हो नीचे जो कमेंट करना मत भूलना, मैं पूरा ट्राई करूंगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल में इतना ही दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूँ इजाजत। अगली बार दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा नेटवर्क के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।